ये जो अभी इतने हैंडसम लग रहे हैं ये कोई अभी की बात नहीं है, बचपन से ही खूबसूरत थे। ये इंतहाए शाय, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। जो बदमाश बच्चा था वो वहां बैठा हुआ है। मैं सलीम साहब से जब पहली बार मिला था तो सलमान वॉज नॉट इवन वन ईयर ओल्ड, 65, ही वॉज नॉट वन ईयर ओल्ड। और ये जो अभी इतने हैंडसम लग रहे हैं ये कोई अभी की बात नहीं है, बचपन से ही खूबसूरत थे। तो ही वॉज अ एक्सेप्शनली गुड लुकिंग चाइल्ड। और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आपके लिविंग रूम में हुआ करती थी, छोटी सी फ्रेम में, सलमान की पता नहीं अब है एक हो गई कहाँ है। फिर ये सब तो बाकी बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं। अच्छा, कमाल क्या है कि सलमान टुडे ही इज द ही मैन, ही इज द डैशिंग हीरो। ये इंतहाए शाय, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। जो बदमाश बच्चा था वो वहां बैठा हुआ है। ये ही वॉज अ रेगुलर सेड्यूसर। सलीम साहब के घर में जो भी आता था कि ये हाँ तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या क्या किया 6 बरस के बाद। ये जो भी इनका सलीम साहब का दोस्त होता था ये उससे एक स्पेशल रिलेशन बना लेते। ये बेचारा चुप बैठा रहता था और ये जो है उससे मिलके घुल मिलके लोगों को लगता था भाई बहुत कमाल का बच्चा है। और एक बहुत छुटपन में इसकी करीब आदत थी, इसके बाल कभी बिखरे नहीं मिल सकते थे। ये कंघी करता था, एक 6 साल का बच्चा अपनी कंघी कर रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं। तो सेल्फ लव इनका बहुत कमाल का था। Self love, I love it. So Gen Z, Javed Saab, I love you. Zoya, I'm going to take this to you. Unless Salim Saab would like to say Gen Z, तो ये उस वक्त से थे, पहले से, the way they've lived their lives today is very difficult for Farhan and me to live our lives the way they've lived their lives. तो इसमें negative भी बहुत आ गया उस वक्त, तो they didn't care. Today we are made to feel that we should care where we should not actually. That's so true. Thank you.